एक बॉक्स दे, इतना मारामारी हो गया अभी। आदित बहुत लंबा चौड़ा भीड़ लगा हुआ है, इधर देखो भीड़। कैसे हो आप सब, आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है भाई डिग्री कन्वोकेशन, ओके सो अभी चल रहे हैं डिग्री कन्वोकेशन के लिए, क्योंकि आज है डिग्री कन्वोकेशन का रियल चल, ठीक है। डिग्री कन्वोकेशन कल है, ओके सो चलते हैं। तो मिलते हैं अब सीधा डिग्री कन्वोकेशन के हॉल में, देखते हैं वहां क्या चल रहा है, ओके सो भाई बहुत अजीब दिख रहा है ठंडा में, ओके सो बाय बाय अभी के लिए, चलो मिलते हैं। सो गाइस तो ये देंगे तभी मुझे मिलेगा कैप और ये यहाँ पे, ओके सो अभी लेते हैं पहले कैप सब राइट। सो गाइस ये मिल गया हमको कैप और गमछा जो कि एक ही यू का है, ओके सो अब जाते हैं हॉल में, कन्वोकेशन हॉल में, देखते हैं वहाँ क्या होता है। सो गाइस तो ये है बापू सभागार जो कि हमको लगता है बिहार का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। चलो देखते हैं आगे आगे क्या प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, ओके सो देखो इतना सारा सीट है, तो हम लोग का सीट है ब्लू चेयर पे, चलो चलते हैं अब सीट पे बैठते हैं। सो मित्रों सीट मिल गया है, और हर बार की तरह इस बार भी हम लोग का सीट लड़की के बगल में नहीं है। Ceremonial crowning of Honorable Chancellor, Honorable Guests of Honor, and other dignitaries for the convocation at 11 बजे होगा। ये backstage में होगा। B.Tech and B.Pharm। महोदय, दी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आग्रह करता हूँ कि वो इन छात्रों को प्रस्तुत करें जिन्हें परीक्षा उपरांत B.Tech और B.Pharm की उपाधि हेतु उत्तीर्ण पाया गया है। इंजीनियर पूरा हॉल गमगमा गया। छात्राएं कृपया अपने जगह पर खड़े हो जाएं। सो गाइस तो आज था रिहर्सल कन्वोकेशन का, और देखो कन्वोकेशन के लिए ये बैग दे दिया गया है, ओके और इसमें सारा कुछ जो भी चीज़ है, मतलब पासेस जो भी है, पासेस खाने का ये वो जो भी चीज़ है। सो और एक फैमिली मेम्बर लेके आ सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग है। तो अब जाते हैं थोड़ा सा पार्क वार्क घूमते हैं, अभी दोस्तों का आया था तो वो लोग चले गया है, तो हम लोग उधर जाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको क्या सीनरी, मे बी नेक्स्ट डे दिखाएंगे थोड़ा अच्छा तरीका से, फिलहाल तो बस ऐसे फुल मजा में चाचा जा रहे हैं बिना भाड़ा दिए हुए। सो गाइस तो आ गए अब कुर्ता खरीदने भाई, कन्वोकेशन में भाई कुर्ता का जरूरत है, क्योंकि ड्रेसअप दिया गया है तो उसका कुर्ता खोज रहे हैं, तो अभी मिल रहा है, यही जा रहा है ड्रेस पे एक आदमी दिखाने, यही ले जा रहा है, ठीक है कोमल ड्रेस भाई जो भी है आ रहे हो तो आके अभी ले लो। आदित भाई फुल तैयार हो गया है। सो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आप अभी तक देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि भाई हम लोग का हो गया अब कन्वोकेशन का आज डे है, तो यही है ड्रेसअप मिला है भाई, बिल्कुल नहीं क्या ही बताएं कैसे दिख रहे हैं, बहुत गंदा दिख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक दो सेल्फी वेल्फी लेकर चेक कर लेंगे कैसा दिख रहे हैं, ठीक ही दिख रहे हैं, जैसा है शक्ल वैसा दिख रहे हैं। तो अब पहले चलते हैं, भाई भी तैयार हो गया है, सब कुछ तैयार हो गए हैं, हम निकलते हैं यहाँ से। चंदन भाई के रूम पर रुके हुए थे तो पूरा ड्रेसअप देख लें, ये शूज है सब, अब चलते हैं सीधा, ओके सीधा मिलते हैं अब मेमोरियल, सॉरी बापू समाहरणालय में। भाई समाहरणालय क्या क्या है वो, सभागार, बापू सभागार में, ओके सो गाइस तो अब मिलते हैं बापू सभागार में। वो उपलब्धि, वो योग्यता, वो सामर्थ्य जो लोक कल्याण की भावना को नहीं बढ़ा सकता है, नहीं पूरा कर सकता है, वो आपका कुछ भी हो, जो लोग को ना संतुष्ट करे, आपको ना संतुष्ट करे, वो उपलब्धि किसी तरह की उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। आज वही चीज आपसे देने से ये मेरे जीवन का, ये मेरे जीवन का पवित्र कर्तव्य होगा, पवित्र कर्तव्य होगा कि मैं अपने ज्ञान कि अपने ज्ञान एवं बौद्धिक संवर्धन का अपने बौद्धिक संवर्धन का उपयोग मानवता और देश की सेवा में करूँगा, मैं सर्वदा अपने देश को स्वयं से ऊपर रखूंगा। सो गाइस तो अभी आ गए हैं भाई मंत्री जी,
मंत्री जी पूरा चौड़ा चौड़ा भाषण देके निकल ली, कहे कि नेता बनिए, तो हमारा ये मित्र जो है कह रहा है कि हम नेता ही बनेंगे अब, ठीक है, अभी जॉब छोड़ के नेता बनेगा, अभी बोला है कि अब जॉब छोड़ देंगे हम नेता ही बनेंगे। मंत्री जी से इंस्पायर हो गया है तो हम चाहते हैं कि अब थोड़ा सा हम भी इंस्पायर हों। इस राज्य के संवेदनशील उप मुख्यमंत्री जी बेरोजगारों के लिए चिंतित हर्षण, दुखियों के लिए दुखी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से साक्षात्कार कर रहे थे अंजना ओम कश्यप आज तक पर, और उन्होंने कह दिया जब तो 28,000 प्राप्तियां है बोल नहीं पा रहे हैं जोर से, बट इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि बता नहीं सकते भाई। अभी बस इंतजार है कि बावन भोग का, बावन भोग में क्या क्या, बावन भोग का तो इंतजार है, साथ में राज्य ताल सर से हाथ उठ मिलाना, गला वाला मिलेंगे, मौका मिलेगा तब गला तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मजा, बहुत भीड़ है, दिखाए भीड़, भीड़ दिखाते हैं, इतना ज्यादा भीड़ है, 5,000 आदमी से अधिक आदमी है मुझे लगता है, हाँ 5,000 से ज्यादा आदमी है, 5,000 का सीटें है, 5,000 ज्यादा आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं, अभी तक हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी नहीं आए हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो भी बता देंगे, मुख्यमंत्री जी आते हैं तो वार्तालाप होगा, हाँ उसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगी। और एक और आदमी आए हैं बहुत दिल्ली दूर से, ये इधर आइए एक बार, ये है ये भाई साहब है जो कि बहुत दूर से आए हुए हैं। सो गाइस, तो डिग्री विग्री का भी सीन चल रहा है, और भाई खाना वाना का कोई सीन नहीं बताया गया अभी तक, थोड़ा सा लग रहा है कि आज रास्ता भी नहीं दिख रहा है, तो अब जब आ जाए तब देखा जाएगा, फिलहाल तो भाई बहुत मजा आ जा, मजेदार माहौल लग रहा है अभी, समझ नहीं आ रहा था 5,000 आदमी कम से कम है, तो कम से कम 20 बार आइसक्रीम काउंटर तो होगा, और हम लोग बस इसी टेंशन में है कि इधर अवार्ड के चक्कर में उधर आइसक्रीम काउंटर ना खत्म हो जाए, आइसक्रीम सब खत्म ना हो जाए, भाई मेरा तो गला भी खराब है, आइसक्रीम उससे खा नहीं सकते हैं, लेकिन नीरज अपने हिस्से का खिला देंगे, तो हम आदित्य के हिस्से का आइसक्रीम खा लेंगे, अरविंद भाई, अरविंद भी नहीं खा सकता है, उसको भी खांसी हो गया है, हाँ अरविंद भाई भी नहीं, अरविंद भाई थोड़ा सा, अरविंद भाई दूसरे को देने जाने के लिए, अभी उत्तीर्ण पाया गया जो हम लोग भी उठेंगे, सबसे ज्यादा भाई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा है, MBBS के बाद इंजीनियरिंग ही है, अबे पास हुए थे, हाँ बे, अरे परीक्षा दिए थे पहले, परीक्षा दिए थे कि नहीं, सब हो रहा है क्या, मैं संकाय के उन छात्रों का प्रस्तुत करता हूँ जिन्हें परीक्षा पराम, भाई बीटेक का भाई इतना देर भीड़ लगा हुआ है, आपसे मुबारक प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्राप्त अधिकार के आधार पर मैं आप सबको बी फार्म की उपाधि प्रदान करता हूँ। इसके लिए आपकी परीक्षा हुई है और आप सफल घोषित हुए हैं, आपसे अपेक्षा। सो अभी देश के भविष्य लोग को गोल्ड मेडल दिया जा रहा है, इन्होंने सर्वाधिक 75.5% अंकों के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। सो भाई, तो अभी गोल्ड मेडलिस्ट तो यही सब देश का भविष्य, हम तो भाई बस खाने के लिए आए हैं, कुछ मिल जाए तो उसी में भेज लेंगे, और यहाँ पे हमारे अरविंद भाई हैं, क्या भाई डिग्री लेने के लिए आए हुए हैं, अभी गोल्ड मेडलिस्ट के बाद में भी हम लोग का नंबर आए, कब आता है देखते हैं। सो गाइस, अभी देखो भाई रिफ्रेशमेंट का कूपन है, जो हम लोग सोचे थे भाई चिकन मटन होगा कुछ, इसलिए हम सोचे जाओ कुछ नहीं होगा, तो डिग्री के साथ खाना तो मिलेगा, अभी बॉक्स दे रहे, इतना मारा मारी हो गया अभी। आदित्य ठीक है, ठीक है, वो बॉक्स के लिए इतना मारा मारी है भाई, बहुत लड़के गाइस देखो 3 डब्बा ले लिए हैं, और अभी पीछे भाई ये जो भीड़ दिख रहा है ना भाई, सब नाश्ता के लिए लगा हुआ है,
नाश्ता के लिए बहुत लंबा चौड़ा भीड़ लगा हुआ है। इधर देखो भीड़ आगे भाई ना, लड़के तो ले लिए हैं, अभी आने वाला बाकी है भाई। दुविधा हो गया दोस्तों, देखिए इस 2700 रुपये में नाश्ता क्या दिया गया, बहुत धोखा हो गया है। 56-52 कितना भोग सोचे थे, एक डब्बा धरा दिया गया भाई, और उस डब्बा को लेने के लिए भाई ये भीड़, ओ भाई क्या भीड़ है। छप्पन भोक्का में भागीदारी में खा रहे हैं और पीछे में पेट ठंडा हो गया है। आदित भैया ना बोले, इधर पेट बस ठंडा हो गया है, दिखती भी ठंडा। 52 भोग ऐसे दिखाई, कैसे कहते हैं 48, 49, 50, 51, 52 वो 53 है वो सॉस के साथ, नहीं वो तो सॉस भाई। सो गाइस अब आ गया, बहुत मज़ा आने लगा है हम लोग को, बहुत खा पी कर आ गए हैं। पूरा 56 भोग था, चिकन मटन एकदम का कुछ बना हुआ था कि हम लोग बोले अब नॉन वेज छोड़ देते हैं, तो हम लोग वो बॉक्स लेकर चले आए हैं। बॉक्स में क्या-क्या था? बॉक्स में भाई लंदन से मंगाया गया था लिट्टी, ठीक है, और USA से लाया गया था खाजा वाजा, ठीक है, ये बनाया गया था। खुद प्रधानमंत्री जी अपने से पड़ोस में आए थे, हम लोग तो क्या लेंगे, लेकिन फिर भी सोचे 2700 रुपये खर्चा किए हैं तो फिर खा लेते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगा। प्रधानमंत्री खिलाए नहीं तुमको? नहीं, हम खिला रहे थे यार, जबरदस्ती कर रहे थे, हमसे पागल है क्या यार, देश का प्रधानमंत्री होते तो इस चीज़ को भी छोड़ के अभी हम लोग फिलहाल बैठे हुए हैं डिग्री सर्टिफिकेट लेने के लिए। इतना होनहार बच्चे जो आपके सामने दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका से एग्जाम पास करके आज डिग्री प्राप्त एग्जाम में बैठ करके एग्जाम पास करके डिग्री को प्राप्त करेंगे, जिसमें सबसे खुशी की बात यह है कि उसमें हम एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि डिग्री प्राप्त करने में थोड़ा मोड़ा इधर उधर किए, ठीक है। और आदित भाई तो भाई ये हम लोग का टॉपर रहे, बट गोल्ड मेडल नहीं ले पाए, अफसोस की बात है। गोल्ड मेडल लेने के लिए आपको यूनिवर्सिटी टॉप करना पड़ता है, दान कर दिया, यूनिवर्सिटी टॉप करना पड़ता है, कॉलेज नहीं। टीम कैसा लग रहा था? नमक कम था भाई, जब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में जब बहुत ज़्यादा अंतर होता है तब दुख होता है भाई। तो सब कंट्री में चीज डलवाना था ना, सबको कि यार मिल्क रहा था ये आइसक्रीम। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, ईश्वर की असीम अनुकंपा से आज इस बापू सभागार में हम लोग डिग्री लेने के लिए उपस्थित हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जो राज्यपाल जी हैं श्री फागू चौहान, वो यहाँ से जा चुके हैं। धीरे धीरे और भी वरिष्ठ मंत्री लोग भी यहाँ से जा रहे हैं, तो हम लोग को अभी तक डिग्री नहीं मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट तक बचेंगे तो वो सिर्फ गार्ड ही बचने वाले हैं, ऐसा ना करें कि हम लोग को गार्ड गया तो डिग्री थमा दिया जाए। सो अभी हम लोग जल्दी से सोच रहे हैं कि सारा कुछ करके तुरंत तुरंत डिग्री मिल जाए, ये हम लोग आशा करते हैं कि मिल जाए। और खाना भी घटिया था भाई, बहुत घटिया, धोखा हो गया हम लोग के साथ। खाना तो था ही नहीं, खाना तो था ही नहीं, खाना था नहीं, मतलब खाना के नाम था हरिलाल का डब्बा था। हरिलाल जी बहुत बहुत खुशी उसी में, लेकिन सन पापड़ी अच्छा लगा, सन पापड़ी में उसी में चिकन फ्राई थी देता है गाइस। डिग्री से परेशान लोगों को देख सकते हैं, 2700 रुपये दाम है तो ये उतना, वो भाई को देखिए इतना परेशान हो गया डिग्री से कि भाई पावर नैप ले रहा है, ठीक है। सो मित्रों अभी तक हम लोग को डिग्री नहीं मिला है, और अब ये देखो पीछे भाई लंबा लंबा, कितना लंबा लंबा लाइन लगा हुआ है, और सबसे दुख की बात है कि हम लोग को सबसे लास्ट ही मिलेगा, और सबसे लास्ट में हम लोग को मिलेगा। अभी सिविल का चल रहा है, अभी सिविल का चल रहा है भाई, अभी तो जेड है, हम लोग टी पे हैं, मतलब सबसे लास्ट में। इसके बाद हम लोग को ना कुछ भी, हम लोग तो ये भी जाएंगे तो बोल रहे हैं कुछ देखिए नाश्ता वास्ता बचा होगा तो भी दे ही दीजिए, अब जा ही रहे हैं, खाते पीते जाएंगे, थोड़ा सा बच्चा वच्चा भी है, इतना पैसा वैसा खर्चा करके आए हैं भाई, हमको पता है मेरा तो हालत ख़राब हो गया था ना, हम क्या। सो भाई तो इसी होके एंटर करना है, यही है प्रवेश द्वार हम लोग का, जो बापू वो है क्या बोलते हैं, बापू सभागार है, ओके। तो चलो एंटर करते हैं, दिखाते हैं, देखो इधर से बाहर से देखते हुए कैसा लगता है, ओके। सो लेट्स गो।
से, ठीक है। और कुछ ऐसा ही दिखता है भाई, ये देखो ऐसा कुछ दिखता है। अब इसलिए खाली हो गया कि भाई सबका हो गया है। शिखा रॉय, राहुल कुमार बर्नवाल, अनंत कुमार, रश्मि कुमारी, प्रतीक सिंह, राहुल राज, सुरभि कुमारी, प्रतिमा कुमारी, निधि नारायण, आशुतोष चित्रांश, हो गया है अब कन्वोकेशन, ठीक है। ये मिल गया मेरा डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये था सारा भाई, हॉल खाली हो गया, सब चले गए हैं, अब हम लोग का बारी है जाने का। ओके सो चलो नीचे चलते हैं डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये देखो ऐसा कि अभी कुछ कुछ बच्चे बचे हुए हैं जिन लोगों को मिल रहा है अभी। अब तो हम लोग चल रहे हैं पहले, चलो आदित। सो गाइस जब डिग्री मिल गया भाई बाहर निकला है, देखो ये सब इतना सारा हुजूम है। हाँ सारा हुजूम है इधर, एक बापू पड़े हुए, बापू हाँ बापू के जैसा में ग्लास नहीं है भाई, इतना अभी मजा आ रहा बाहर निकल के। मॉर्निंग में नहीं आए थे ना सवेरे, उसका परिणाम है अभी आया है तो बहुत मजा आ रहा है। क्या दे भाई मजा तो बहुत आ रहा है, मजा आ रहा है ना। हाँ इधर देखो, इधर देखो, देख रहा गाइस। भाई